हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रगति दक्ष, लेकर आई हूँ अगेन सेकंड पार्ट ऑफ नायका हॉल, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं पोस्ट करूँगी चैनल पर, बट आई नो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी डिले भी हो गया है, पर कोई बात नहीं, वीडियो तो आ गई है। और चलिए देखते हैं पहला प्रोडक्ट क्या है। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास डॉक्टर शीत का हल्दी एंड हायलोनिक एसिड सनस्क्रीन, दैट इज SPF 50 प्लस प्लस PA प्लस प्लस प्लस। ओके, तो इसमें टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है। मैंने इसको ऑर्डर किया था ये सोचकर कि क्योंकि इसमें टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है तो ये मेरे पिंपल्स को हार्म नहीं करेगा और कोई प्रॉब्लम मुझे स्किन पर नहीं होगी। तो चलिए मैं इसको ट्राई करूँगी, देखूँगी। वैसे तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है प्रोडक्ट, बट स्टिल आई रियली वॉन्ट टू ट्राई इट। एंड सो मैंने पैकेजिंग सारी हटा दी है एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट द एनलेट। और मैं प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी प्लस आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का है। तो जैसे कि इसमें हल्दी का बोला गया है कि हल्दी है इसके अंदर, बट देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि ये येल्लो कलर कर रहा है या कुछ भी है। दिस इज़ प्योर वाइट कलर। कंसिस्टेंसी बहुत मॉइस्चराइजर टाइप है। अगर निविया का मॉइस्चराइजर किसी ने यूज़ किया है, सेम सेम डिटो, बिल्कुल वही है। स्मेल एक्चुअली कोई मेजर स्मेल नहीं है, देर इज वेरी लाइट सी, एक अच्छी सी स्मेल कर रहा है ये, बहुत बेकार भी नहीं है। अगेन मुझे निविया जैसे स्मेल लग रहा है इसका। और मैं बात करूँ अगर बहुत ईजिली स्प्रेड हो रहा है हाथ पर, तो आई थिंक दिस वन इज गुड परचेज। नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर प्रोडक्ट। There is one more box inside it and there are two things इसमें, दिखा देते हैं क्या है। So one is Rio Herbs नहीं, मैंने प्लम का फेस वॉश ऑर्डर किया था। दिस इज अ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, वाइट एक्ने कंट्रोल ऑयल एंड विद फ्रूट्स AHAs। ये मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। एक्चुअली मैं जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो डॉक्टर्स रिकमेंडेड है, लेकिन उनसे पहले, उनके रिकमेंड करने से पहले मैं इसको यूज़ कर रही थी। और जब मैंने उनको दिखाया तो ही सेड कि ये अच्छा है फेस वॉश, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आप बाय कर लेना। तो फिर उन्होंने जो मुझे दिया है वो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे आँखों में लगता है, सो आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अच्छा भी है, तो मैंने ये वापस से बाय किया है। दिस इज़ माई सेकेंड परचेज ऑफ दिस फेस वॉश विच इज़ प्लम का सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। दूसरा प्रोडक्ट है फेसेस कैनेडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे। ओके सॉरी, इट्स मेकअप फिक्सर एक्चुअली। तो अगेन दिस इज माई सेकेंड परचेज। मेरे पास ऑलरेडी एक है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेट मी शो यू, हियर इट इज माई ओल्ड वन एंड दिस इज माई न्यू वन। ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो जाके। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई मैंने दूसरा लिया। दैट्स सो सिंपल, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, विच इज TNW का सनस्क्रीन। अगेन दिस इज अगेन अ सनस्क्रीन। मैंने अभी डॉक्टर शीत का दिखाया था, बट मैंने ये TNW का भी लिया है, सन प्रोटेक्शन। इट इज़ अगेन 50 प्लस। ये स्प्रे मोड में है एक्चुअली। इसको मेरा बाय करने का रीज़न ये है कि ये स्प्रे फॉर्म में है, और स्प्रे फॉर्म में बाय करने का रीज़न समहाउ इसलिए है कि अगर आपका मेकअप हो गया है, आपको अब धूप में जाना है, आपको 3 घंटे फर्स्ट स्क्रीन सनस्क्रीन अप्लाई किए हुए हो गया है, तो आप इसको स्प्रे करके अपना मेकअप सेव कर सकते हो और एज इट इज़ आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल शब्द में कहूँ कि सुबह मैंने एक सनस्क्रीन लगाया, आई एम गोइंग आउटसाइड, 3 घंटे हो गए, आपको भी पता होगा, इट्स वेरी कॉमन आज की डेट में, वीडियोज़ बहुत बनती हैं कि 2 to 3 hours एक सनस्क्रीन, आपका बेस्ट टू बेस्ट सनस्क्रीन 3 hours काम, सॉरी 3 hours काम करता है, उसके बाद वो नहीं काम करता है, देन आपकी स्किन अगेन सनटैन हो सकती है। उससे बचाने के लिए प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन। तो ये मैंने स्प्रे वाले मोड में लिया है। इससे पहले मेरे पास रियो हर्ब्स का था, तो रियो हर्ब्स का भी अच्छा था वैसे, इतना कोई इशू नहीं था मुझे, बट आई थॉट कि क्यों ना इस बारी
अनदर प्रोडक्ट पे ट्राई किया जाए। और वैसे भी रियो हब्स का जो आया था आई थिंक फर्स्ट सनस्क्रीन था जो कि लिक्विड फॉर्म में आया था, जो कि स्प्रे वाली फॉर्म में आया था। और फिर अभी मैंने सर्च किया तो अब काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्प्रे फॉर्म में आपको स्प्रे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे SPF 50 SPF में आपको सनस्क्रीन मिल जाएगा। तो दिस वन इज द सनस्क्रीन इन स्प्रे फॉर्म, दिस इज द ओनली डिफरेंस। दिस इज लास्ट वन चीज इन माई बॉक्स एंड दैट इज मामा अर्थ का माइसेलर वाटर, दैट इज द मेकअप रिमूवर। मेरे चैनल पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैं 4 to 5 मेकअप रिमूवर्स की रिव्यूज अब तक डाल चुकी हूँ। एक दो कुछ पेंडिंग भी है मेरे साइड, आई अपलोड दैट, बट दिस वन इज द बेस्ट मेकअप रिमूवर टिल नाउ आई गॉट। क्यों? ये ना, ये जो है आपका सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी, फॉर्मिंग वे में बाहर निकलता है। तो इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा ये है कि जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो तो सम हाउ ये आपके मेकअप के साथ रिएक्ट करता है और बहुत जल्दी फटाफट आपका मेकअप ना रिमूव होता है इन सेकेंड्स। ओके, तो मुझे ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी है। कैप आया हुआ है विच इज़ वेरी ईजी टू यूज़, वेरी ईजी टू कवर दिस। ओके, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलती है जस्ट टू रब योर स्किन एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट। ऑल दो आई मीन यूजिंग इट इज़ फ्रॉम 4 to 5 days, बट मैं इस चीज़ को नहीं यूज़ करती हूँ। आई जस्ट टुक इट ऑन माई हैंड और सम हाउ मैं अपने मेकअप रिमूवर पैड पर ले लेती हूँ उसको एंड देन आई रिमूव माई मेकअप एंड दैट इज़ लाइक सुपर ईजी वे टू रिमूव योर मेकअप इज़ द मामा अर्थ माइसेलर वाटर। इससे बेस्ट अभी तक कुछ नहीं आया है, मुझे ऐसा लगता है। इसका डिटेल रिव्यू आई विल पुट ऑन माई चैनल, आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी, आई विल रिमूव द मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू, बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल एज वीडियो बोज सो लेंदी। सो दिस वन आई थिंक अगर आप जल्दी में हैं, यू कैन नॉट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सो यू कैन जस्ट बाय इट। ट्रस्ट ऑन मी, आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट मेकअप रिमूवर। मेबेलिन का माइसेलर वाटर मुझे वो बहुत पसंद था, बट भाई ये बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ विद रोज़ वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड, यू विल गेट अ वेरी रोजी स्मेल इसमें से, जैसे कि हमारा सम हाउ जो हमारा रोज़ वाटर होता है ना, थोड़ी उसमें से आती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, डेफिनेटली गोइंग टू बाई इट नेक्स्ट टाइम एंड शायद ये मेरा परमानेंट मेकअप रिमूवर होने वाला है इतने सारे ट्राई करने के बाद। ओके, सो गाइज जस्ट टेल मी एंड इन माई कमेंट सेक्शन आपको मेरा ये नायका का सेकेंड वीडियो हॉल कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, क्या आप भी इन्हीं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ या इन प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे थे कि आपको रिव्यूज़ मिल जाए या फिर ये पता चल जाए प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं, अनबॉक्सिंग दिख जाए। तो मैंने इसका ऑलमोस्ट आपको बता दिया है, मेकअप फिक्सर का भी आई टोल्ड यू मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आई विल पुट ऑन माई चैनल, जस्ट लेट मी नो एंड डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैं रिव्यू एक्चुअल में चैनल पर डालना चाहती हूँ। सो फाइनली बाय बाय गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँ और फटाफट आपको चीज़ों के रिव्यू या फिर मैं जो भी नई कुछ भी परचेज करती हूँ, आई ऑलवेज थिंक क्यों ना एक रिव्यू हो जाए या मैं आपको एटलीस्ट अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ प्रोडक्ट किस तरीके से रिसीव होता है। इन सभी के अगेन मैं प्राइजेज यहाँ पर नीचे ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे अभी ऐसे वर्बली किसी का भी प्राइस याद नहीं है, और जब आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो प्राइस वैसे भी कम हो जाते हैं, और तो फिर मैं आपको विद डिस्काउंट प्राइस नीचे ऐड कर दूंगी, यू कैन बाय। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रोडक्ट जस्ट लेट मी नो, आई विल गिव यू द लिंक, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। ओके, सो बाय बाय गाइज, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी यू।